हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोला कि एलजी के स्मार्ट डायग्नोसिस फीचर के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि स्मार्ट डायग्नोसिस का जो ये सिस्टम होता है किस तरह से काम करता है, क्योंकि इसके लिए दो ऐप होते हैं और दोनों अलग अलग तरीके से काम करती हैं। तो चलिए, इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये जो सेल्फ डायग्नोसिस का फीचर है कैसे काम करता है। आप देख सकते हो मेरे पास ये दो फोन है और दोनों में अलग अलग एप्स इंस्टॉल हैं। मैं चाहूंगा कि आपको ये दिखाएं। ये देखिए, एक है एलजी थिंकयू ऐप और एक है एलजी स्मार्ट डायग्नोसिस ऐप। ये दोनों जो एप्स हैं, ये दोनों ही सेल्फ डायग्नोसिस का जो ये फीचर है, आप इनसे यूज कर सकते हो। पहले मैं आपको एलजी की स्मार्ट डायग्नोसिस ऐप से इसको टेस्ट करके दिखाऊंगा और फिर हम करेंगे एलजी की थिंकयू ऐप से इस एसी को टेस्ट। एलजी का स्मार्ट डायग्नोसिस ऐप से अगर आपने इसको टेस्ट करना है तो उसके लिए आपको एसी को स्टैंड बाई मोड पे रखना है, यानी कि बटन इसका ऑन है, रिमोट से ये ऑफ है। और एलजी की स्मार्ट डायग्नोसिस ऐप से अगर आपने इसको टेस्ट करना है तो आपको इसे रिमोट से ऑन नहीं करना है, आपको इसको मैन्युअली ऑन करना है। उसके लिए आपको इसका फ्लैप इस तरह ओपन करना है और यहां पे देखिए पावर का बटन आपको मिल जाएगा। इस बटन को आपने 3 से 6 सेकंड के लिए लॉन्ग प्रेस करके रखना है और आप देखेंगे कि एसी के ऊपर LO करके आपको दिखाई देगा और ये एसी ऑन हो जाएगा। तो जब भी आपको एलजी की स्मार्ट डायग्नोसिस ऐप से इसको डायग्नोस करना है तो इसी तरह से इस एसी को ऑन करना है। और बेशक आप किसी भी ऐप से एसी को डायग्नोसिस का जो ये प्रोसेस है कर रहे हैं, एसी को 15 मिनट पहले चलने दें, उसके बाद ही स्मार्ट डायग्नोसिस या सेल्फ डायग्नोसिस का जो ये प्रोसेस होता है उसको आप परफॉर्म कीजिए। तो अभी हमने इसको ऑन किया है, ये अभी LO मोड के ऊपर ही चलेगा। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो कि टेस्टिंग मोड के लिए अभी ये रेडी हो चुका है। तो चलिए, अब इसको मैं 10-15 मिनट चलने देता हूं, उसके बाद फिर हम ऐप के ऊपर देखेंगे कि किस तरह से ये फीचर काम करता है। एसी को चलते हुए लगभग 15 मिनट का समय हो चुका है, तो हम अब इसका टेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम टेस्टिंग करेंगे इसकी एलजी स्मार्ट डायग्नोसिस ऐप से, लेकिन उससे पहले मैं रिमोट के एक फंक्शन के बारे में बता दूं, क्योंकि इस टेस्टिंग के लिए हमें रिमोट भी चाहिए, फोन भी चाहिए और एसी तो चाहिए ही चाहिए। तो रिमोट के ऊपर आप देख सकते हो फिलहाल ये यहाँ पे कोई नंबर नहीं आ रहे, क्योंकि हमने रिमोट से ऑन नहीं किया है, लेकिन फिर भी हमारा काम हो जाएगा। रिमोट पर आपको यहाँ पर डायग्नोसिस लिखा हुआ मिलेगा और उसके ब्रैकेट में लिखा है 5S। इसका मतलब है कि आपको ये जो रूम टेम्परेचर वाला बटन है ये 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। उसके बाद एक बीप साउंड आएगा और उसके बाद फिर एक साउंड एसी प्रोड्यूस करता है, जो एक कोडिंग होती है उसको हमारा जो फोन है वो सुनता है और उसके बाद रिपोर्ट तैयार होती है। तो चलिए करते हैं। तो यहां पर इस ऐप को पहले ऑन कर लेते हैं। सबसे पहला जो सिस्टम है वो है ऐप को ऑन करना। ऐप को ऑन करते ही इस तरह का एक इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद वॉल माउंट एसी है हमारा, स्प्लिट एसी है, तो हमने वॉल माउंट वाले पे ओके करना है। अब यहाँ पर रिसीव पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम रिसीव के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक टाइमर ऑन हो जाता है और ये अब कह रहा है कि अपने रिमोट से वो बटन प्रेस कीजिए। तो अब हम ये वाला जो बटन है ये 5 सेकंड्स के लिए प्रेस करेंगे। आप देखिएगा बीप साउंड आएगा एक, तो आपने सुना बीप साउंड के बाद एक और साउंड जो कोडिंग वाला होता है वो बजा और उसको इसने सेंस किया। वो जो साउंड है, यहाँ पर स्पीकर लगा होता है, यहाँ से वो आवाज आती है। इसलिए फोन को जब भी आप ये टेस्ट करें तो जितना हो सके एसी के पास ही रखें। और आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर नॉर्मल ऑपरेशंस यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है। अगर इस एसी में कोई प्रॉब्लम होती तो यहाँ पर एरर कोड हमें मिल जाता।
तो नॉर्मल का मतलब बिल्कुल ठीक ये काम कर रहा है एसी, और आप देख सकते हैं डायग्नोसिस हमने कब किया, डेट वगैरह सब आ गई। उसके बाद यहाँ पर जो है रीडिंग्स आपको मिलेंगी, ऑपरेशन मोड हमने कूल मोड पे चलाया है, फैन स्पीड हाई है, और यहाँ पर आपको कुछ टेम्परेचर के दिख रहे हैं सिस्टम, फैन के आरपीएम वगैरह सब कुछ दिख रहा है। दोस्तों ये वाली जो ऐप है एलजी स्मार्ट डायग्नोसिस वाली जो ऐप है, ये आपको इजीली प्ले स्टोर के ऊपर नहीं मिलेगी। ये जो ऐप है ये ज्यादातर एलजी के जो टेक्नीशियंस हैं वो यूज करते हैं, और आप देख भी सकते हो इसमें टेक्निकल डिटेल्स दी गई हैं एसी की, जो एक नॉर्मल कंज्यूमर को समझ में नहीं आती हैं। बस यहां पर ये ज्यादातर समझ में आएगा कि नॉर्मल ऑपरेशंस हैं, इट मींस कि हमारा एसी ठीक है। तो ये ऐप आपको अगर डाउनलोड करनी है तो आपको कोई पुराना फोन चाहिए, क्योंकि ये ऐप नए एंड्रॉयड वर्जन में नहीं चलती है। हमने भी एक बहुत पुराना फोन सोर्स किया है कहीं से, उसमें इसको चलाया है, ये पुराने एंड्रॉयड पे चलता है। तो एनीवेज ये इस तरह से काम करता है प्रोसेस। अब हम जो दूसरी ऐप है एलजी वालों की, एलजी थिंक यू, जो आपको प्ले स्टोर के ऊपर मिल जाएगी, इससे सेल्फ डायग्नोसिस को परफॉर्म करके देखेंगे और देखेंगे किस तरह से ये काम करता है। एलजी थिंक यू ऐप ऑन करना है, और इस तरह से ये ऑन होगा। कुछ लर्निंग स्टेप्स हैं आपके सामने, आप इन सबको सीख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली स्किप के ऊपर क्लिक करके आगे चल सकते हैं। उसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है और एक्सेप्ट ऑल करना है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ भी सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर करने के लिए आपको ईमेल आईडी डालनी है, आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं, अपना नाम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के आगे चलना है। उसके बाद सेंड वेरिफिकेशन कोड पर क्लिक करना है, एक कोड आपके दिए हुए ईमेल आईडी पर जाएगा, कोड को एंटर करके आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है और विंडो आगे चला जाएगा। नाउ गो टू होम पर क्लिक करना है, उसके बाद एक परमिशन मांगी जाएगी लोकेशन की, वो आपने अलाउ कर देनी है, और उसके बाद आपके सामने ऐड डिवाइस का एक ऑप्शन आ जाएगा। ये इस ऐप का होम पेज इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। तो ऐड डिवाइस करना है, क्योंकि पहले एसी को इस ऐप के साथ सिंक करना पड़ेगा। तो ऐड डिवाइस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ऐड करने के दो ऑप्शन मिलेंगे, आप ऊपर वाला भी कर सकते हो। हम नीचे वाला करेंगे सिलेक्ट डिवाइस पर क्लिक करके, और उसके बाद ये कह रहा है कि आपका जो डिवाइस है या एसी है वो ऑन होना चाहिए। तो जी हाँ, हमारा एसी ऑन है, और नेक्स्ट पर हम क्लिक करेंगे। अगर आपका एसी वाईफाई वाला नहीं है तो नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है पेज, और एक ऑप्शन मिलेगा नॉन वाईफाई डिवाइसेस के लिए। ये सिर्फ एसी के लिए नहीं है, सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप कोई भी प्रोडक्ट इस तरह से यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो हमें बेसिकली एसी करना है, तो स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर आपको एसी के दो ऑप्शन मिलेंगे। तो वॉल माउंट एसी, स्प्लिट एसी के लिए आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और यहाँ पर क्लिक करके आप देखेंगे लोडिंग होगा, और इस तरह से एक साइन आएगा स्मार्ट डायग्नोसिस का। बेसिकली ये साइन आपके एसी पे होना चाहिए, और हमारे पे है, यस क्लिक करेंगे। यस पर जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे अब ऐड डिवाइस हो रहा है, और आप देखेंगे कि यहाँ पर डिवाइस का आप नाम अपने रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एयर कंडीशनर लिखा आ रहा है, तो हम इसको एज इट इज़ ही रहने देंगे और ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं डिवाइस होम पेज पे आ गया। तो एलजी थिंक यू ऐप में कैसे साइन इन करना है, अकाउंट बनाना है, और कैसे प्रोडक्ट को ऐड करना है, ये तो आपने सीख लिया। अब हम सेल्फ डायग्नोसिस कैसे करना है वो देखेंगे। तो इसके लिए हमें ये दोनों चीजें चाहिए, फोन और एसी का रिमोट। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि पहले जो हमने स्मार्ट डायग्नोसिस ऐप से किया था तो एसी को यहां से ऑन किया था, लेकिन एलजी थिंक्यू ऐप से अगर आप स्मार्ट डायग्नोसिस का फीचर यूज कर रहे हो तो आपको यहां से ऑन करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली रिमोट से ही ऑन करना है एसी, और उसको 10 से 15 मिनट चलने देना है। आप देख सकते हैं आप 24 पे चल रहा है ये, जब हमने यहां से ऑन किया था तो तब यहां पर एलओ लिखा आ रहा था, अब यहां पर 24 आ रहा है, और रिमोट के ऊपर भी आप देख सकते हो 24 आ रहा है, क्योंकि रिमोट से हमने इसको ऑन किया हुआ है। तो चलिए अब एलजी थिंक यू ऐप के ऊपर हम चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स हैं। तो आप देख सकते हो ये एयर कंडीशनर अभी हमने ऐड किया है, तो इस पे हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद ये दिखा रहा है स्मार्ट डायग्नोसिस का आइकन, जो कि हमारे एसी के ऊपर भी बना हुआ है, और यहां से हमने इसको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है कि क्या आपका एसी ऑन है। जी हाँ, हमारा एसी ऑन है, तो हम यहाँ पर इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देन ये कह रहा है कि अपना जो फोन है
वो उसके पास रखिए एसी के, तो हम एसी के बिल्कुल पास ही हैं। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और अब ये कह रहा है कि 5 सेकंड के लिए ये वाला बटन प्रेस करके रखिए ताकि जो साउंड है वो आए। तो ठीक है, हम पहले इसको नेक्स्ट करेंगे और फिर वो बटन प्रेस करेंगे। यहां पर एक परमिशन मांगी जा रही है, इसको अलाउ करना है, उसके बाद ये बटन प्रेस करना है। तो प्रोसेस पूरा हो चुका है, जो साउंड कोडिंग आई थी वो हो चुकी है। अब आप यहां पर देखिए कि हमारे सामने जो डाटा है वो यहां पर आ गया। तो ऊपर लिखा है डिड नॉट डिटेक्ट अबनॉर्मल ऑपरेशंस और चेक मार्क लगा है, इट मींस कि एसी की सारी चीजें बिल्कुल ठीक हैं। उसके नीचे सारी डिटेल्स लिखी गई है, टेम्परेचर सेंसर, इन्वर्टर, फैन मोटर, जो भी चीजें हैं जिनको ये चेक करता है अपने इस प्रोसेस में, उन सब के ऊपर यहाँ पर टिक मार्क लगा हुआ है। इट मींस कि ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक से काम कर रही हैं। अगर किसी भी चीज में प्रॉब्लम होगी तो यहाँ पर टिक मार्क की जगह पर एरर आएगा या फिर क्रॉस का साइन आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो ऐप है LG ThinkU ऐप, ये इस तरह से काम करती है और यहाँ पर आपको डेट ऑफ डायग्नोसिस का भी फीचर मिल जाता है। तो आपने देखा कि LG ThinkU ऐप जो कि इजीली हर कंज्यूमर के लिए प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, आप उससे किस तरह अपने एसी को चेक कर सकते हो, और एक जो पहले ऐप मैंने आपको बताई थी उससे भी आप इस एसी को चेक कर सकते हो या एलजी के किसी भी एसी को चेक कर सकते हो जो स्मार्ट डायग्नोसिस के फीचर को सपोर्ट करता हो। तो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि एसी में कोई प्रॉब्लम आती है, फिर हम टेक्नीशियन को फोन करते हैं, लेकिन कुछ लोगों में जिज्ञासा होती है कि हम ही जब थोड़ा सा पता लगाए कि क्या पता कोई माइनर फॉल्ट हो, तो उन लोगों के लिए या फिर वैसे भी महीने दो महीने में या फिर तीन महीने में कभी ऐसा लगे कि एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा एसी ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये वाला जो फीचर है इसको हम यूज कर सकते हैं। इससे एक सेटिस्फेक्शन होता है कि हमारा एसी बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ आ गया होगा कि स्मार्ट डायग्नोसिस का फीचर कैसे काम करता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।